अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। मैंने जैसे कि लास्ट वीक आपको बताया था कि पैसिव इनकम के आइडियाज़ के ऊपर मैं सीरीज़ लाना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस दिया, बहुत सारे कमेंट्स आए, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी कि ये मेरे पास है क्रिएटिव मार्केट का, कह सकते हैं जी कॉइन है, ठीक है, या अवार्ड है। ये अवार्ड तब मिलता है जब आप क्रिएटिव मार्केट के प्रो शॉप ऑनर होते हैं, ठीक है। अब क्रिएटिव मार्केट क्या चीज़ है? वो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप पैसिव इनकम कर सकते हैं स्टार्ट, ठीक है। मसलन आप वहाँ पर अपने डिज़ाइन टेम्पलेट्स बनाकर रख सकते हैं और वहाँ पर लोग परचेज़ करेंगे आपके टेम्पलेट्स और वो बिकना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि और कमा सकते हैं आपसे। इसी तरह और भी एक वेबसाइट है जैसे ग्राफिक रिवर है, और वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, और इन्हीं दो साइट्स का मैं अभी आपको स्टार्ट में बताऊँगा। और भी साइट्स से इंट्रोडक्शन में करवाता रहूँगा गाय बजाय या दूसरी वीडियोज़ में, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको सबसे पहले ग्राफिक रिवर से इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं आपको जस्ट प्रूफ्स दिखाऊंगा इनकम के कि मैं वाकई कमा रहा हूं, ठीक है, इसमें वाकई इनकम होती है। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि मेरे पास है जी ये मेरी प्रोफाइल मेड बाय अरसलान, यू गाइस कैन विजिट एनी टाइम। और इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं अपना पोर्टफोलियो, तो यहां पर मेरे पास हैं कुछ लोगोज, और ये देखें ये लोगोज़ जो हैं अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम सेल हो चुके हैं। ये 12 दफ़ा हो गया है, ये 3 दफ़ा हो गया है, और ये 13 दफ़ा हो गया है, और ये लोगोज़ जो हैं पड़े हुए हैं यहाँ पर। सो मुख्तलिफ औकात में लोग आते हैं और परचेज़ करते रहते हैं और यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। यही मैं आपको बताऊँगा कि हमने इसको कैसे बनाकर अपलोड करना है, तरीका क्या अपलोडिंग का, और ऐसी क्या चीज़ें। इसके बाद मैं आपको अर्निंग्स दिखाता हूँ यहाँ से अपनी। 588 सेल्स हो चुकी हैं और मैं इसको यहां से $14,937 कमा चुका हूं, और मेरी जो टोटल आइटम्स थी पोर्टफोलियो पे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कितनी थी। वो हैं जी यहां पर 128। तो ये जी मैंने देखें अभी रिसेंटली मेरी एक सेल हुई है $16.56 की, जो मेरे कनाडा से, यानी कि जो बंदा था वो कैनेडियन था। तो ये इस वक्त सेल है। पिछले मंथ की अर्निंग अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, कोई इतनी $81, ठीक है, ये देखें 15 जून को जो है वो $81 जो है मेरे पे इन ईयर अकाउंट पे गए हैं। इधर 146 हैं, 81 है, 101, 81, 151, 115, 52, कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। लेकिन आप अगर देखें कि आपकी फ्री लांसिंग के साथ ये अमाउंट आपकी जुड़ती रहती है, ठीक है, ये आप देखें, ये है मेरी लास्ट मंथ की जो मेरी 15 तारीख को आनी है, अगस्त 15 को, $131, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी वेबसाइट पे जो कि है creativemarket.com। क्रिएटिव मार्केट पे मैं प्रो शॉप ओनर हूँ, ठीक है, यानी कि एक ऐसा बंदा जिसने मोर देन $30,000 अर्न किए हैं, या कोई उनका कोई अपना क्राइटेरिया है जब वो अपना ये टोकन सेंड करते हैं, ये जो कॉइन है क्रिएटिव मार्केट का वो तब सेंड करते हैं। तो ये मेरा एक अवार्ड है आप कह सकते हैं, जिस पे मुझे फ़ख्र है, जो मेरी अचीवमेंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं 443, और कुछ मैंने हाइड किए हैं, ऑलमोस्ट 450 थी तो कुछ हाइड कर दिए हैं, और क्यों हाइड किए हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है, उनको क्यों हाइड किया गया ये भी मैं आपको इस पूरी सीरीज़ में बताऊँगा कि वो उनको हाइड करने का क्या नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो ये मेरी रिसेंटली प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अपलोड की हुई हैं, हॉर्स लवर, और ये देखें यहाँ पर लाइक्स हैं, व्यूज़ एंड सो ऑन। तो मैं कोई ऐसी दिखाता हूँ जिसकी सेल्स बहुत ज़्यादा, जैसे मिनिमल क्लीन स्टेशनरी लोगो है, 54 सेल्स हैं, $12 प्राइस रखी है, $451 में अर्न कर चुका हूँ, 2460 व्यूज़ हैं और 59 लाइक्स इस पर मौजूद हैं। तो ये देखें सिंपल, एक बिल्कुल मिनिमल और सादा सी प्रेजेंटेशन के साथ मैंने ये यहाँ पर अपलोड की हुई थी, जिसमें आपको दिखा रहा हूँ कि इस किस्म के प्रोडक्ट्स जो हमने डिज़ाइन करनी होती हैं, और विद प्रेजेंटेशंस और मॉकअप्स, इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा कि मॉकअप्स वगैरह कहाँ से लेने हैं फ्री वाले, और कैसे हम इसको यूटिलाइज़ करके अपनी प्रोडक्ट्स को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं और नोटिसेबल बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको, देखिए इस मंथ की अभी सेल्स $55 हो चुकी हैं, और ओवरऑल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पे आउट्स पे जाकर,
और पे आउट्स पर जाके जो है हमने लास्ट मंथ आई थी $139, $165, $150, $185, ये सारी जो हमारी वायर ट्रांसफ़र के थ्रू आ रही हैं, ठीक है, यानी कि वायर ट्रांसफ़र पाकिस्तान में आ सकती है और ये वेबसाइट सहूलत देती है कि आपको वायर ट्रांसफ़र, उस वेबसाइट पे हम वायर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कम से कम आपको $500 चाहिए, लेकिन यहाँ पर कम से कम आपको आई थिंक $50 चाहिए जो आप ईजिली जो है विड्रॉ करवा सकते हैं, 20 है या 50 है कोई, ये इनकी अमाउंट है एग्जैक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अपनी सेल्स, ठीक है जी, 5374 सेल्स हो चुकी हैं और ये अर्निंग है फ़िलहाल मेरी इस मंथ की, और 8-10 दिन गुजर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं अगर आपको ऑल सेल्स दिखाऊँ प्लस रेंज ऑल टाइम दिखाऊँ और फिल्टर कर लूँ, यहाँ पर लोड हो जाओ, हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, ये आगे जी लोड हो गई है, और ये देखें यहाँ पर देखें टोटल अर्निंग मेरी $30,362 जो है वो मैं अब तक अर्न कर चुका हूँ, जिसमें टोटल रेवेन्यू जो है वो $51,143 हैं। अब रेवेन्यू और अर्निंग में क्या फ़र्क है, अर्निंग वो है जो मेरी बैंक में जा चुकी है, रेवेन्यू वो है जो मैंने इस वेबसाइट को कमा के दी है, ये क्या करते हैं 60% खुद रखते हैं, 60% मुझे देते हैं मेरी प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट आउट करने के, यानी कि मैंने इनकी वेबसाइट पे अपनी प्रोडक्ट रखी हुई है और ये जब बिकती है तो 40% ये कमीशन लेता है, लेकिन इट्स फाइन, उनकी वेबसाइट है, वही मेरी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, वही जो है कस्टमर्स को दिखा रहे हैं मेरी बार बार, तो ये आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है जहाँ पर आपकी जो है सेल्स बढ़ भी सकती हैं कम भी हो सकती हैं, इसलिए आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना के अपलोड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं देखें $1200 तक भी जा चुका हूँ ऑलमोस्ट, ये देखें जून 2015 में $1100 था, इसके अलावा अप्रैल $1025 भी मैं कमा चुका हूँ, तो कम होते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं फ्रीलांसिंग में इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो लेकिन ये जब भी मैं चाहूँ दोबारा अपनी कंटिन्यू कर सकता हूँ, मेरी शॉप अप्रूव है, मैं जब चाहूँ कार्ड, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड जो मर्ज़ी अपलोड करके टीम रख के भी मैं जो है स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी दोबारा से ये प्रोडक्ट्स क्रिएटिंग, ठीक है, यानी प्रोडक्ट्स के टैंपलेट्स मैं दोबारा बना सकता हूँ। तो ये देखिए रिसेंट है ये बंदा, ये फ्लायर इसने जेसन ने परचेज़ किया है $9 का और ये मेरा जो है कमीशन बना है जी $5.40। इसके अलावा किसी ने मेरे 100 बिजनेस कार्ड का बंडल बाय किया $39 का, तो $23 मुझे मिले, 60 मेरा था, 40 उनका था। इसके अलावा यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की दो चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद आई इनकी रिसेंटली अपडेट में, कि आप अपने जब चीज़ें लिस्ट आउट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह, तो उसमें हम तीन किस्म के जो हैं चीज़ें करते हैं, एक तो हम पर्सनल सेल कर सकते हैं, यानी कि जो हम आप एक्चुअल प्राइस रखना चाहते हैं $60, अगर किसी ने कमर्शियल बाय करना है तो वो $9 का दो मुझे डॉलर एक्स्ट्रा पे करेगा, और अगर एक्सटेंडेड कमर्शियल लाइसेंस करना है तो वो $28 पे करेगा। तो ये चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह जब प्रोडक्ट्स हम अपलोड करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लाइसेंस क्या चीज़ें हैं, कमर्शियल क्या, एक्सटेंडेड लाइसेंस क्या है, एक्सटेंडेड कमर्शियल क्या है, और इसके बाद एक्सक्लूसिवली किसी ने प्रोडक्ट आपकी बाय करनी है तो उसका क्या फ़ायदा है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको दिखा रहा था कि यार यस यू गाइस कैन अर्न थ्रू दिस काइंड ऑफ वेबसाइट, जहाँ पे आप अपने टेम्पलेट्स बना के और इजीली अपलोड करेंगे और वहाँ पर फिर आपको सेल जनरेट होंगी। अब आप अगर हैरान होंगे कि ये कैसे सेल जनरेट हो रही है, मैंने आज तक अपनी किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग नहीं की, किसी भी कोई भी एड्स नहीं चलाएं, जैसे लाइक कुछ ऐसी वेबसाइट जैसे टी स्प्रिंग है, वहाँ पर आपको टी शर्ट के डिज़ाइन अपलोड करके उसको बाकायदा कंपेन चला के सेल करवाना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है, इनके पास कस्टमर्स मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको नीचे दिखाऊं तो प्रोडक्ट्स देखें यहाँ पर 4,67,00,000 इतनी प्रोडक्ट्स हैं, मैं आई कांट काउंट, इतने मेंबर्स हैं इस वेबसाइट के ऊपर और इतनी शॉप्स हैं, कंपटीशन है नो डाउट, लेकिन फिर भी आपकी चीज़ें बिकती हैं, ठीक है, ये देखें अभी तक बिक रही है मेरे पास प्रोडक्ट्स, और मेरी मंथली $150-$200 यहाँ से बन जाता है, $150-$200 उस वेबसाइट से बन जाता है, और $300-$800 आराम से मेरा इन शॉप्स के निकल आता है, जो कि अगर मैं फ्रीलांसिंग ना भी करूं तो 50-60,000 रुपये पाकिस्तानी इजीली बन जाता है, और मैं उसको सेविंग पे डाल सकता हूं और मैं उसे किसी और जगह पे यूटिलाइज़ कर सकता हूं। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको प्रूफ्स दिखाए बेसिकली कि यस पैसिव इनकम हो सकती है पाकिस्तान में रह के भी, और ये वेबसाइट्स वाकई जनरेट करती हैं इनकम और हम कमा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस सीरीज स्टार्ट करूंगा और नेक्स्ट एपिसोड में आपको ग्राफिक रिवर का इंट्रोडक्शन दूंगा, ग्राफिक रिवर पे काम कैसे करना है, ग्राफिक रिवर आपको कितना कमीशन देती है, कितना वो खुद रखते हैं, और
क्या सीन है सारा, ठीक है, फिर हम क्रिएटिव मार्केट करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वेबसाइट्स को डिस्कस करेंगे। अनटिल देन टेक केयर, और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें यार, कम से कम मुझे ना 150 लाइक्स चाहिए इस वीडियो के ऊपर। लाइक्स और कमेंट्स इतने आ गए तो मैं समझूंगा कि जी मैं ये सीरीज़ वाकई मेरे वैल्यूएबल होगी, आप लोग इस चीज़ को वैल्यू देंगे। 150 से 200 कमेंट्स होना चाहिए, 150 से 200 लाइक्स होना चाहिए इस वीडियो के ऊपर। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ताकि लाइक्स आएँ, तो फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।